प्रथम तहलका न्यूज़। और सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस जवानों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के दो जवानों की गोली मारकर हुई हत्या। देर रात गश्त पर निकले थे सोनीपत बरोदा थाने में तैनात पुलिसकर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सोनीपत में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस के दो जवानों की गोली मारकर हत्या हुई है और देर रात गश्त पर निकले थे सोनीपत बरोदा थाना में तैनात पुलिसकर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सोनीपत से आ रही है। मरने वालों में पुलिस कर्मियों में एक कांस्टेबल और दूसरा एसपीओ शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सोनीपत से आ रही है, जहां ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस जवानों को गोली मार दी गई है और उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे सोनीपत के आला अधिकारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सोनीपत से आ रही है, जहां ड्यूटी पर तैनात दो जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के दो जवानों की गोली मारकर हुई हत्या। देर रात गश्त पर निकले थे सोनीपत बरोदा थाने के पुलिसकर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मरने वालों में एक कांस्टेबल और एक एसपीओ शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे सोनीपत के आला अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की जांच कर रही पुलिस। जी, यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे दो बहादुर हमारे जामा साथी जो अपनी पुलिस ड्यूटी पर आए थे, उनका रात को या अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हो गया, जिनके ऊपर अटैक किया गया है और वो शहीद हुए हैं। तो हमें बहुत दुख की बात है और इस समय हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रण रहेगा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें, परिवार को हम न्याय दिलवा सकें। और जो हमारे जो बहादुर सिपाही जो दोनों शहीद हुए हैं, कप्तान और रविंदर, इनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। पूरा डिपार्टमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट, पूरा इलाका बहुत दुखद है। उनको हम बिल्कुल न्याय दिलवाने में पूरा प्रयास करेंगे और जो इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जायज़ इनके सरकार से जो महकमे से वो, और हमारा एज ए कम्युनिटी उनकी पूरी मदद करेंगे। सर, किन चीज़ से हमला किया गया, किस चीज़ से हमला किया गया इनको? देखिए, ये मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु लगता है शार्प एज वेपन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि किस चीज़ से किस वेपन का इस्तेमाल किया गया है। मेरे लिए कोई भी कमेंट करना इस समय ठीक नहीं होगा। ड्यूटी कहाँ पे दे रहे थे सर इस दौरान? वो नाइट पेट्रोलिंग पे थे जी, इसी इलाके। क्या नाम है इनके और क्या क्या रेंज? कप्तान और रविंदर, कप्तान एसपीओ है और रविंदर एक कांस्टेबल। सर, गश्त के दौरान हथियार नहीं होता गया जी? सेफ्टी के लिए हथियार नहीं होता गया सर गश्त के दौरान? देखिए, होता भी है, डिपेंड्स अपॉन द किस तरह का जो थ्रेट परसेप्शन है जी। हमारे इसलिए टूज में गश्त करवाते हैं, कई बार हथियार कैरी करते हैं, कई बार जब लगता है कि सिचुएशन इज नॉर्मल तो हथियार के बिना भी गश्त होती है जी।